So you are affiliate marketer, so you are watching this, or you want to earn money, so you are watching this, right? रात के एक बज रहे हैं, almost बजने वाले हैं, and I'm shooting this, right? This video. तो इस video को कर दो सबसे पहले like, like तो बनता है इसी बात पे, और like target जो है वो है 200 like. So make sure ये चीज आप complete करें. And guys आपको पता है कि email marketing का ROI, right? 3800% होता है. ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जितना भी रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो ईमेल मार्केटिंग में उसका आप 3800% जनरेट कर सकते हो, चाहे वो एक डॉलर ही हो चाहे वो एक रुपए ही क्यों ना हो. अगर एक रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उसका 3800 रुपए आप बना सकते हो विद ईमेल मार्केटिंग, राइट. और ईमेल मार्केटिंग को एफिलिएट मार्केटिंग का बैकबोन कहा जाता है. ओके, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है इफ यू आर रियली सीरियस टू डू एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग. मुझे पता है बहुत सारे बिगनर्स हैं एंड बहुत सारे इंटरमीडिएट भी हैं जो एक आध दो सेल उनको मिल गई है, बट वो अपना और सेल नहीं पा रहे हैं या कंसिस्टेंट बेसिस पे उनको सेल नहीं मिल रहा, राइट. तो उन सबके लिए ये वीडियो एक रामबाण इलाज होने वाला है. क्या होने वाला है? रामबाण इलाज. लिख कर बताओ, लिख लोगे हिंदी में रामबाण इलाज नीचे कमेंट्स में, प्लीज लिख कर जरूर बताना, ठीक है. तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो बेसिकली जितने भी यूट्यूबर्स हैं या कह लो एफिलिएट गुरुज हैं या कोचेस हैं या ट्रेनर्स हैं वो आपको ये सारी चीजें नहीं बताते हैं, और यही वो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप शुरू में एफिलिएट कर रहे हो, जब आपको कंसिस्टेंट सेल नहीं मिल रही है, जब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ विद एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये चीज आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, और आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में एक डॉलर को दो डॉलर बनाना बहुत ज्यादा इजी है. कई ऐसे लोग हैं जो एक डॉलर को तीन डॉलर और चार डॉलर में भी कन्वर्ट करते हैं, बट मोस्टली जो है वो ऐसा मानते हैं कि एक डॉलर को दो डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट. और मेरा ये मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप एक डॉलर इसमें डाल रहे हो तो आप उसका तीन डॉलर बना सकते हो, क्योंकि मैं यही करते आया हूं, राइट. मेरा एक डॉलर तीन डॉलर जरूर मुझे बना के देता है. ओके, और सबसे बेसिक जो इसमें है वो ये है कि एक डॉलर बिकम्स टू डॉलर, राइट, टू डॉलर. बट यहां पर देखो, आज मैं आपको समझाता हूं कि आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल कैसे कर सकते हो और आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से आप एफिलिएट मार्केटिंग में काफी तेजी ग्रो कर पाओगे, कंसिस्टेंट सेल निकाल पाओगे, और जितना पैसा डालोगे वो डबल तो जरूर होगा, अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो ट्रिपल चौबल भी हो सकता है. ओके, सो मोस्ट ऑफ पीपल करते क्या है, वो करते हैं ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ. दो अलग अलग चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, आपको यहाँ बोर्ड दिख रहा होगा. ओके, बहुत सारे पीपल जो है वो ट्राई क्या करते हैं, $50 और $100 और बोले तो $60, राइट. और मुझे भी आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या आप भी ये चीज करते हो कि आप जब शुरू में कोई भी प्रोडक्ट को देखते हो तो आप ट्राई करते हो कि मैं $100 का प्रोडक्ट सेल करूं या $50 का प्रोडक्ट सेल करूं या $60 का प्रोडक्ट सेल करूं. यही चीज आपके दिमाग में आता है ना कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट चॉइस कर रहा हूं तो वो $50 में होना चाहिए, $100 में होना चाहिए या $60 में होना चाहिए. या ऐसे कह लो कि मोस्ट ऑफ पीपल हमेशा $50 और $100 को ही प्रमोट करने मार्केट में जाते हैं, इवन विथ पेड एड्स. जो लोग गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, बींग एड्स, नेटिव एड्स, वट एवर कह लो, कोई सा भी एड कह लो, अगर आप पेड में हो, पे कर रहे हो फॉर ट्राफिक, तो आप हमेशा क्या करते हो, यही चीज चुनते हो, राइट. एम आई राइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स, एम आई राइट? मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, इस साइकोलॉजी के ऊपर पूरा भरोसा है कि 99.9% लोग जाते हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने जो $100 का हो या $50 का हो या 100 और 50 के बीच में हो, और मोस्टली वो रहता है 65 और $60, राइट. एम आई राइट? मैं ये सही चीज बोल रहा हूँ? ऐसी आपकी साइकोलॉजी काम करती है, आपका माइंड काम करता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ये रियलिटी है. मुझे पता है कि आप भी ऐसे ही सोचते हो, बिकॉज ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, राइट. इन द अदर हैंड गाइज, इन द अदर हैंड कैसे आपका पैसा डबल होगा, ध्यान से समझो, 101% डबल होगा. इफ यू आर बिगनर, इफ यू आर इंटरमीडिएट, ये वीडियो आपके लिए ही, आपको कंसिस्टेंट सेल भी आने लगेगी, और अगर नहीं भी आएगी तो आपको इतने पैसे होंगे कि आप कंसिस्टेंट सेल उसको इन्वेस्ट कर करके ला लोगे, अपना आरओआई बढ़ा बढ़ा के ला लोगे, राइट, ट्रस्ट मी.
और अभी जो मैंने साइकोलॉजी की बात की वो 100% करेक्ट है या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप भी ऐसा सोचते हो या नहीं, राइट? तो यहां पर देखो जो अदर हैंड का गेम है, ये गेम जो है ना गाइस, ये बहुत कम लोग खेल रहे हैं, और जितने भी खेल रहे हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है एफिलिएट मार्केटिंग में, इवन वो हमसे कम सेल लेके आ रहे हैं बट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और ये गेम क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ। मैं अभी रिसेंटली कुछ एफिलिएट्स के साथ मीटिंग कर रहा था, वो कुछ यूएस के थे, यूके के थे, पुर्तगाल, सही से मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, पुर्तिश या पुर्तगाल ऐसा कुछ है, वहां के कुछ थे, ठीक है, और कुछ जर्मनी के थे, और इंडिया के आई थिंक दो लोग थे, राइट, एक मैं और एक और कोई था। तो ये हम लोग मीटिंग कर रहे थे विद ऑन एफिलिएट मार्केटिंग, एंड एक कंपनी थी उसके साथ, राइट, वो कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, सो दे आर ऑफरिंग कि हम उसका एफिलिएट करें। अब वहां पर वी आर डिस्कसिंग लाइक ये जो प्रोडक्ट है इसका अभी प्राइस नहीं है ना, अभी प्राइस आया नहीं है, अभी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसका प्राइस क्या रखना है, और प्राइस वो लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं $200 से लेके $300 तक, राइट, $200 और $300। जब वो लोगों ने कहा तो मैंने और जो एक और इंडिया का बंदा था, हम दोनों के दिमाग में चीज आया कि सही है, मतलब है कि एक स्माइल, सही है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, बिकेगा तो $200-$300 हमें अर्निंग होगी, क्योंकि 90% उसका कमीशन है, राइट, मतलब ऑलमोस्ट $200-$300 हमें भी अर्निंग होगी, और हमें थोड़ा स्माइल आया। बट वहीं जो बाहर के लोग थे वो स्माइल नहीं कर रहे थे, उनको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था कि भाई अगर ये प्रोडक्ट बिकेगा $200-$300 का, नहीं, उनका क्वेश्चन क्या था, क्यों ना हम इन प्रोडक्ट्स को $1,000 का बेचें, क्यों ना हम इन प्रोडक्ट्स को $2,000 का बेचें, क्यों ना हम इन प्रोडक्ट्स को $3,000 का बेचें, राइट, दे आर सेइंग दिस, आई वाज अमेज्ड। एंड वहां पर मैंने अपने आप को री इंजीनियर किया, राइट, मैंने पूरी चीजें समझी कि यस, हमारा जो माइंड है वो ऐसे ही काम करता है, हम इंडियंस का माइंड, हमें छोटे छोटे जो अमाउंट्स हैं वो बहुत बड़े लगते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पीछे हमारी साइकोलॉजी एंड ऑल द थिंग्स, हमारा माइंडसेट जो हमें बचपन से बताया जा रहा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और उन्हें बताया जा रहा है पैसा कमाना बहुत आसान है, राइट, तो ये चीज मुझे समझ में आई। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे अपना जो पिछला जो मैंने कुछ कुछ चीजें देखी थी उसको मैंने रिकॉल किया, और मुझे पता चला कि यस, लोग भी यही कर रहे हैं जो अच्छे लेवल पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। तो गाइस आपको ये जो चीजें हैं ना यहाँ पर, जो आप $50 और $100 के बीचों में सोच रहे हो कि ये मैं प्रोडक्ट बेचूंगा जिसकी कीमत इसके बीच में होगी, $50 to $100 या $100 का प्रोडक्ट बेचूंगा, वही आपको क्या सोचना है कि मैं $500 का या $1,000 का प्रोडक्ट बेचूंगा। अब बताता हूँ इसमें बेनिफिट क्या है और इजी क्या है। अगर आपको मान लो $1,000 अर्न करना है, कितना $1,000 अर्न करना है, मान लो आपका टारगेट है, और आप बेच रहे हो $100 के प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको भाई प्रोडक्ट कितने बेचने पड़ेंगे, 10। अब इन 10 सेल लाने के लिए गाइस, अगर मैं लंबा लंबा बात करूं तो आपको $100 कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना, $100। और ये जरूरी नहीं है कि $100 में आपको सेल आ ही जाए, हो सकता है आपको भाई $200 तक जाना पड़े, और हो सकता है आपको $300 तक जाना पड़े, क्यों, क्योंकि इसमें रीटारगेटिंग भी होता है, और प्लस आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आप उसको यूएस में, यूके में कहां प्रमोट कर रहे हो, ट्रायर वन की कौन सी कंट्री में प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर जो एफिलिएट्स हैं वो ट्रायर वन की ही कंट्री में प्रमोट करते हैं, राइट। तो ये बेसिक अमाउंट्स हैं फॉर पेड एड्स, राइट, $1,000, $2,000, $300। हो सकता है इससे ज्यादा भी लगे और $100 में भी काम बच जाए, बट आपका टारगेट देखो, आपका टारगेट कितना है, 10 सेल। इन 10 सेल को करने के लिए आपको 101% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि $200 तक आप पहुंच जाओगे इफ यू आर बिगनर, बिकॉज आप कुछ भी CTR भी कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करना नहीं जानते हो, बहुत सारे ऐसे हैक्स होते हैं जिनके वजह से आपको पता चलता है कि स्टोरीज, हेडलाइंस कैसे लिखी जाती है, कॉपी राइटिंग कैसे लिखा जाता है, ये सब अभी आपको नहीं पता है, अभी आप बिगनर हो, राइट, आप जस्ट ट्राई कर रहे हो चीजों को, तो आप अमाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, क्या नहीं कर सकते, अमाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप $100 से $300 इजी चल जाओगे फॉर
10 सेल्स, ओनली 10 सेल्स, राइट, और वो 10 सेल्स भी आपको मिलेंगी उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ज्यादा 10 सेल बहुत ज्यादा होता है, लग रहा है वो नंबर में बहुत कम है, और जब आप मार्केटिंग के लिए उतरते हो तो 10 सेल इज ह्यूज फॉर अ बिगिनर और इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी अभी आप मार्केट को सीखे नहीं हो, समझ रहे हो, राइट। तो हो सकता है मान के चलते हम लोग आप $300 तक जाते हो, राइट, और आप 10 सेल कर भी लेते हो, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज लाइक $700, और ये 10 सेल करने के लिए आपको नहीं भी तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 7 डेज लग जाएंगे, ठीक है, जैसा आपको बजट रहेगा, आप क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट में स्पेंड करोगे एड पे तो 7 डेज आपको लग जाएंगे, ठीक है, 7 दिन लगे, $700 का आपको बेनिफिट हुआ अगर आपका 10 सेल हुआ, राइट, 10 सेल भी आपका नहीं हो पाएगा, 5 सेल या 6 सेल हो पाएगा अगर आप $300 तक भी जाते हो तो, राइट। बाय द वे मैंने एक एफिलिएट हैक का कोर्स लॉन्च किया है जो बहुत ही ज्यादा सस्ता है बट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, और सस्ता क्यों है वो अगर आपको जानना है तो मैंने नीचे एक वीडियो दी है, लिंक कर दी है डिस्क्रिप्शन में, जस्ट क्लिक करके चेक करो, एंड एफिलिएट हैक्स जो आपको बूस्ट करेंगे आपकी सेल्स को, कैसे फर्स्ट सेल लेके आना है, आपको बहुत सारी चीजें समझाएंगे और आपको कैसे अलग अलग चीजें पता चलेंगी जिससे आपका सेल और एफिलिएट में सक्सेस बूस्ट होगा, राइट। तो सारा डिटेल जो है वो आपको वीडियो में नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके चेक कर लेना, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी, ट्रस्ट में, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस, राइट, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस, एक बार चेक करना, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, चेक कर लेना एक बार नीचे आपको मिल जाएगा, राइट, लेकिन आपको 101% बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पर देखो आपने $700 की अर्निंग की 7 दिन लगाए, और ये भी मैंने जैसा आपको बताया कि हो सकता है आप 5 या 6 सेल जनरेट करो, क्योंकि अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको नहीं पता कि सारी चीजें कैसे होती हैं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप एक्सपीरियंस लोगे, राइट। आप जब एक्सपीरियंस खुद से लेते हो तो इट्स टेक टाइम, और जरूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस आपके लिए सही रहे, अच्छा रहे, राइट, खराब भी हो सकता है, बट अगर आप दूसरों की लाइफ से सीखते हो तो आप जल्दी सीखते हो, क्योंकि आप उनकी गलतियों को देखते हो, आप उनकी गलतियों से सीखते हो, तो ऐसे करके आप फास्ट सक्सेस लेके आते हो। वही सारी चीजें मैंने एफिलिएट ग्रोथ हैक्स में भी बात की, राइट, एफिलिएट ग्रोथ हैक फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसी ने लॉन्च किया और वो मैं, तो इसके लिए एक लाइक बनता है और वो मैं ही हूँ, राइट। तो एफिलिएट ग्रोथ हैक फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया गया और वो मेरे द्वारा लॉन्च किया गया, क्योंकि मैंने देखा बाहर बहुत ज्यादा चलता है, बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, तो एफिलिएट ग्रोथ हैक्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू बूस्ट योर एफिलिएट सक्सेस, राइट। तो यहां पर उसको लगा 7 दिन और $700 की अर्निंग, बट यहां पर अगर आप मान लो सिर्फ $100 इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, कितना, $100, और आपका जो प्रोडक्ट है वो $500 का, मान लो चलो $500, देखो हमारे लिए $500 ₹35,000 है, ठीक है, हमारे लिए $500 ₹35,000 मान के चलो, बट जो फॉरेनर है ना उनके लिए $500 इज लाइक ₹500, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, मैं बहुत लंबे टाइम से US UK मार्केट के साथ काम करते आ रहा हूं, $500 इज लाइक ₹500, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, $500 मतलब ₹500 उनके लिए। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है या वेल्थ का प्रोडक्ट है, अच्छा है, आपने देखा है कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, कन्वर्ट हो रहा है, लोगों की हेल्प कर पा रहा है, तो वो इजी $100 में सोल्ड आउट हो जाएगा, और वो हो सकता है आपके फर्स्ट डे ही सोल्ड आउट हो जाए, राइट। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया, $100, राइट, और आपकी अर्निंग कितनी, $500, प्योर $400 का आपको बेनिफिट हुआ, राइट। अब जैसे ही आपको बेनिफिट हुआ ना 400 का, आप डायरेक्ट बिना कुछ सोचे ये 400 को इन्वेस्ट कर दो, क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, और 4 डिफरेंट एड लगाओ इसी $500 के प्रोडक्ट के, कितने, इसी $500 के प्रोडक्ट के, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं इसमें से 4 नहीं 2 तो जरूर सेल हो जाएंगे, कितने, 2 तो जरूर सेल हो जाएंगे, मतलब कि हर एड्स के 2 प्रोडक्ट जरूर सेल हो जाएंगे, कितने, 2, मतलब कि अगर आपने 4 ऐड लगाए ना, बता रहा हूं कैसे, लेट मी टेल यू, ठीक है, ये जो आपने 4 ऐड लगाए ना, इनमें से, इन चारों ऐड में से 2 प्रोडक्ट जरूर सेल होंगे, राइट। अब ये ना मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं कि कैसे मार्केट काम करता है, ट्रस्ट मी, कैसे मार्केट काम करता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। यही $400 आपको
2x ROI देंगे जब आप यहां से जो फर्स्ट वाला जो आपने $100 स्पेंड किया एंड वहां से आपको 400 प्रॉफिट हुआ, आपने $100 अपना निकाल लिया, ठीक है, अब आप बिल्कुल सेफ खेल रहे हो और यहां आपने $400 लगाया और यहां पर आपको 4 सेल मिलेगी। कितनी? 4 सेल, और आपका बनेगा कितना? $2000। कितना बनेगा? $2000। क्यों? क्योंकि आपको $100 मिला था एक सेल और $400 में मिलेगा आपको 4 सेल, 101%। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ ये होगी कि आपका माइंडसेट, जो माइंडसेट है ना वो आपको बहुत पावरफुल हो जाएगा कि मैंने $100 में 500 की सेल निकाल दी, $500 की सेल निकाल दी तो क्या मैं $400 में निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज, आप रिस्क फ्री हो जाओगे क्योंकि आपने $100 अपना पहले ही निकाल लिया ऊपर से, राइट। अब रिस्क फ्री हो गया, अब रिस्क फ्री हो गया तो मतलब क्रिएटिव हो गया। देखा गया है टेस्टिंग में कि जब लोग रिस्क फ्री हो जाते हैं उनका चीज निकल जाता है, मतलब उनका जो मेन बेसिक अमाउंट है वो जब बाहर आ जाता है तो वो ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, अच्छे एड बना पाते हैं और प्लस आपका फर्स्ट एड का थोड़ा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा इस चीज में। और ये जो सारी चीजें ना वो माइंडसेट पे ही डिपेंड करती है। तो जैसे ही आप ये चीज करोगे, ट्रस्ट में एक बार करके देखो, आपको बेनिफिट होगा। आप $1000 के प्रोडक्ट्स के साथ भी जा सकते हो बट वहां पर थोड़ा सा आपका गेम बढ़ जाएगा एड्स में और वो हो सकता है $200 या $150 तक पहुंच जाए, राइट। मतलब एक चीज, मतलब एक सिर्फ एक सेल आपको $500 दे सकता है और वही $500 को जब आप री इन्वेस्ट करते हो 4 डिफरेंट एड्स में तो वो आपको $2000 भी दे सकते हैं और उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, राइट। और अगर यहाँ पर एक भी सेल आया ना, सिर्फ एक सेल भी, तो आपका ROI जो है 400 वो आपको वापस आ जाएगा और वहां पर $100 का आपको बेनिफिट भी होगा, आपको 5 एड्स फिर लगाना। ऐसे करके पूरा एफिलिएट का गेम काम करता है। बट आप कैसे सोचते हो कि मैं 10 सेल करूंगा फिर उसके बाद वो मैं पूरा अपना पैसा निकाल लूंगा और फिर मैं वहीं से फिर $100 से फिर से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं 10 सेल करूंगा? नहीं, आप उस सेल तक ही नहीं पहुंच पाओगे, राइट। ये एक ऐसी चीज मैं बता रहा हूँ जो किसी भी कोर्सेज में नहीं मिलेंगे। इवन मैं खुद अपने कोर्स में लाइन बाय लाइन नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा आपको पता है? क्योंकि ये बहुत तामझाम वाली चीजें हैं, ये लोगों को समझाना पड़ता है एकदम ऐसे। और ये हैक्स में मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताया हूँ जिसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। हाँ, मैं, मेरा जो स्ट्रेटजी वाला कोर्स है, सॉरी मैं बात नहीं करना चाहता कोर्सेज की यहाँ पर अभी इस समय, तो वो सारी चीजें छोड़ो। ये समझो, यहाँ पर जो है ना ये वाला जो $1000 से $500 वाला मैंने बताया, इस चीज को एक बार यूज करके देखो, 101% ही यूजफुल है, राइट। फर्स्ट आपको $100 की एड लगानी है, आपको बस आना चाहिए कि एड कैसे लगाया जाता है, तो आपको 500 का एक बेनिफिट जरूर होगा $100। बहुत इजी है, आपका माइंड इजी एक्सेप्ट करेगा बिकॉज एक सेल चाहिए, राइट। सेकेंड टर्म में आपको अपना $100 निकाल लेना है और $400 से 4 डिफरेंट एड्स लगाने हैं सेम प्रोडक्ट के, बट आपको उसमें डेमोग्राफिक लोकेशन का ध्यान रखना है, राइट। और किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक। तो ये चीज करके देखो, जहां आपको 10 सेल करनी है वहां पर एक सेल मैजिक कर सकता है और आपका जो पैसा है वो 4x 5x जाएगा इजी, राइट। 4x 5x, राइट। मैंने क्या क्या कहा कि आपको अपना पैसा डबल हो जाएगा, राइट। मैंने जो थंबनेल डाला है कि डबल योर मनी, राइट, बट यहाँ पर आप 4x 3x या 5x भी कर सकते हो। जिस आपको ये चीज समझना है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, तो जितने भी बिगिनर्स हैं उनको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे करके देखो, आपको बेनिफिट होगा। आप गलत सोचते हो इसलिए आपको वहां पर बेनिफिट नहीं होता, वहां पर आप कई चीजों के चार्जेस दे देते हो छोटे प्रोडक्ट को सेल करने में और आपको उतना ज्यादा ROI नहीं मिलता, डीमोटिवेट हो जाते हो एंड देन उसके बाद आप ट्राई ही नहीं करते हो बिकॉज आप सोचते हो मेरा पैसा चला जाएगा एंड ऑल द थिंग्स, आपको पता है बुलशिट। वो सारी चीजों को छोड़ो, ये जो चीज मैंने कही है एक बार ट्राई करके देखो। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए तो आपको सारी चीजों को ट्राई करना चाहिए गाइस, ट्रस्ट मी, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज कीप सपोर्ट। अगर आप नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल का आइकन प्रेस करके जाओ, 200 का लाइक टारगेट दिया हूं उसको कंप्लीट करके जाओ। सी यू नेक्स्ट टाइम और एफिलिएट हैक्स को जरूर चेक करो, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल हैक्स इन इंडिया फर्स्ट टाइम, और वो मैं ही लेके आया हूँ, राइट। तो उसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, फर्स्ट वीडियो है, जरूर चेक करना, काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको एंड ऐसी काफी सारी चीजें उसमें मैं सिखाया हूँ और काफी सारे सरप्राइज भी हैं आपके लिए उसमें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।